So to help them. Hi guys, good morning, welcome back to my channel. तो आज है संडे 5th of April. आज मैं पूरा दिन व्लॉग करने वाली हूँ. वैसे तो ये व्लॉग करने का मेरा पहले से कोई प्लान नहीं था, बट मैं जब लास्ट वाला व्लॉग अपलोड की थी, दैट इज़ 5 थिंग टू डू टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड वाइल वर्किंग फ्रॉम होम, एंड उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे प्यार मिला था आप लोगों से, एंड बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अपना घर बहुत सुंदर है, आप घर का और वीडियो बनाइए. कुछ लोगों ने मुझे योगा के बारे में भी बोला था. उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक नॉर्मल सा बेसिक सा लॉकडाउन वाला डे किया जाए. अभी टाइम है 9:30. वैसे तो मैं और जल्दी उठने वाली थी, बट अभी वीकेंड है तो कल रात को हम लेट नाइट तक मूवी देख रहे थे. आज का दिन जो मैं शूट कर रही हूँ, ये मैं अपना पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं क्या क्या करूँगी. एंड ये बहुत ही जेन्यून वाला वीडियो रहेगा. अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो हम कहीं जाने तो वाले है नहीं, घर पर ही मैं रह के जो जो बेसिक घर का काम है वही करने वाली हूँ. बट प्लीज़ डोंट जज मी, आई थिंक हम सब अभी वही काम कर रहे हैं जो मैं आज करने वाली हूँ. एंड वन मोर थिंग, कल सैटरडे था एंड कल सुबह मैं जब उठी तो मेरे चैनल में 1K सब्सक्राइबर हो गए थे, तो वो देख के मुझे बहुत 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 खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा. आई नो आई माइट साउंड वेरी सिली, बट मुझे पता है मैं अपने चैनल के लिए कितने दिनों से मेहनत कर रही थी. तो जब एक माइलस्टोन कंप्लीट हो जाता है तो वो खुशी कुछ और ही होता है. थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग मी लाइक दिस. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ. दैट्स इट, विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. So the first thing I'm going to do before starting my day is definitely yoga. वैसे तो काफ़ी लेट हो गया है सब कुछ, मैं ज़्यादा कुछ करने वाली हूँ नहीं, मैं बस सूर्य नमस्कार ही करूँगी एटलीस्ट फॉर 12 टाइम. ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाने जा रही हूँ डोसा, और ये डोसा बैटर मैं कल रात से बना के रखी थी. मैं दो टाइप के डोसा बनाने वाली हूँ. फर्स्ट ओनियन एंड जीरा डाल के, इट्स लाइक ओनियन उत्थपम. और एक मैं प्लेन डोसा बनाने वाली हूँ, और जिसको मैं नुटेला के साथ खाने वाली हूँ. ये मैं कुछ दिन पहले ही डिस्कवर की हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, नुटेला डोसा इज़ सो यमी. सो द नेक्स्ट वर्क आई एम गोना डू इज़ डेफिनेटली झाड़ू पोछा, ऑफकोर्स, क्योंकि घर साफ रखना बहुत ज़रूरी है. नाउ इट इज़ इट्स पार्ट ऑफ आवर डेली वर्क ऑल्सो. साफ सफाई खत्म हो गया है, अभी मैं हूँ किचन में टू प्रिपेयर माई लंच. आई वुड अर्ज ऑल द मेन वॉचिंग दिस ब्लॉग, गाइज इट्स नॉट ईजी फॉर अ सिंगल पर्सन टू डू ऑल द वर्क, सो प्लीज हेल्प योर वाइफ, हेल्प योर मदर, जिनको अभी घर का सारा काम करना पड़ रहा है, तो डू हेल्प देम. अगर आप उनको हेल्प करोगे तो उनको अच्छा लगेगा और आप
आपका घर भी स्मूथली चलेगा. आई विल बी नॉट बायस्ड हियर. मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानती हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त हो या कुछ दिलीप के दोस्त हैं, जो लड़के अभी अकेले रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, चाहे वो बैचलर हो या वो शादीशुदा है बट फॉर एनी रीजन अपने बीवी से दूर है अभी, तो उन लोगों के घर पे भी मेड नहीं आती है, ऊपर से ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, पूरा घर का काम भी वो लोग करते हैं. तो गाइज यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, डोंट वरी, ये टाइम बहुत जल्दी चला जाएगा. दिलीप और मैं काफ़ी मिलजुल के घर का काम कर लेते हैं. इट्स नॉट लाइक कि मैं उनको बोलती हूँ ये करो वो करो, इट्स लाइक आप दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, मुझे क्या, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं. तो उस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप काम करोगे तो घर का सारा काम अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अभी मेड नहीं आ रही है और कब तक नहीं आएगी पता नहीं है. तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबल कि हम अपना घर को साफ रखें, हाइजीन रखें. और मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, आजकल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. बैंगलोर में वैसे तो काफ़ी गर्मी इतना नहीं होती है बट आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब मुझे तो बहुत अभी स्वेटिंग हो रही है. बट मुझे खाना बनाना है तो इसलिए मैं किचन में आ गई. मैं खाना बनाने के बाद आई विल गो टू गेट अ सॉर. तो मैं ये फूलगोभी की सब्जी बना रही हूँ आज, और मेरे पास कुछ भिंडी भी है तो मैं इसको भी बनाऊँगी. इसके बाद आज हम खाने वाले हैं, ये है पोखाड़ो, ये राइस है और इसमें मैं पानी डाल के एक डेढ़ घंटा से रख चुकी हूँ. ये बेसिकली एक उड़िया डिश है. अगर कोई मेरे उड़िया दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं तो दे कैन कम्प्लीटली रिलेट. हम संडे को मोस्टली प्रिफर करते हैं ये चीज़ खाने को, और अभी गर्मी भी बहुत है तो ये खाने में काफ़ी अच्छा फील होता है. वैसे तो वेजिटेबल हमारे सोसाइटी के बाहर ही सब कुछ मिल ही जाता है बट We try to avoid going outside frequently. बाहर जाना is risky now, you know that. So जितना भी मेरे पास सब्जी है मैं try करती हूँ उसी से एक हफ्ता थोड़ा थोड़ा करके चलाने का. ये situation ही वैसा है तो I think सबको adjust करना पड़ रहा है. We are not exception. अभी हम लंच करने जा रहे हैं और हम नीचे बैठ के आज लंच कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि हमारे घर पे डाइनिंग टेबल है नहीं, वी हैव डाइनिंग टेबल, बट जब हम ये चीज़ खाते हैं, जब हम पोखाड़ो खाते हैं तब हम नीचे बैठ के खाने में उसका कुछ और ही मज़ा है. दिस इज आवर दही पोखाड़ो, फूलगोभी आलू फ्राई, भिंडी आलू फ्राई एंड हियर सम क्यूकम्बर. ये जो है ये फ्रेश पोखाड़ो है, ये आज सुबह ही राइस हम मैं बनाई थी, बट जो ऑथेंटिक पोखाड़ो होता है वो एक दिन पहले से बन के रखा जाता है ताकि वो खट्टा वाला फील आता है, बट उससे बहुत ज़्यादा नींद भी आती है. हम वो नहीं खाते, हम फ्रेश वाला ही खाते हैं और संडे को हम प्रेफर करते हैं ये चीज़ खाना. आई एम डन विद माई लंच एंड मैं पूरा किचन साफ़ करके और बर्तन भी पूरा साफ़ करके आई, क्योंकि मेड नहीं आ रही है तो मैं ट्राई करती हूँ जिस टाइम का खाना ख़त्म होता है उस टाइम का बर्तन भी तुरंत साफ़ कर दूँ, ताकि वो रात को या नेक्स्ट डे तक नहीं रहे, और जब रहता है तो बहुत हेक्टिक हो जाता है साफ़ करना. तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 3:30 एंड दिलीप इज स्टिल वर्किंग हिज ऑफिस वर्क. आज वैसे तो संडे है बट पता नहीं क्या उनको बहुत सारे काम हैं तो वो सुबह से अपना ऑफिस का काम ही कर रहे हैं. ये जब से ये लॉकडाउन वाला सीन शुरू हुआ है, लॉकडाउन से पहले जब से ये क्वारंटीन वाला सीन शुरू हुआ है तब से मैं अपने पेरेंट्स और अपने सिस्टर के साथ वीडियो चैट, हम ग्रुप वीडियो चैट करते हैं. इस महीने घर जाना था और मेरे सिस्टर का भी इस महीने घर जाना था. मेरी सिस्टर मुझसे बस 8 किलोमीटर दूर रहती है बट आई थिंक इट्स बिन मोर देन 1 month हम नहीं मिले हैं और पता नहीं अब कब तक हम नहीं मिल पाएंगे. हम दोनों को अभी घर भी जाना था बट वो सब तो कैंसिल हो गया, तो पेरेंट्स भी दूर रहते हैं. तो वीडियो चैट एक ही तरीका है जिससे सबका मूड ठीक रहे, 15-20 मिनट कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता है हम वीडियो चैट पे बात करते हैं.
अभी हम थोड़ा अपने सोसाइटी के नीचे आए हैं। वैसे तो जब से ये लॉकडाउन का सीन शुरू हुआ है, हमारे सोसाइटी में भी नीचे वॉक करने को भी अलाउड नहीं है, मना कर दिए। संडे है तो हम सोचे थे कि नीचे आएंगे, थोड़ा अपना गाड़ी का भी हालत देखेंगे। मैं बहुत दिन से नीचे भी नहीं आई थी तो गाड़ी, क्योंकि बहुत दिन से स्टार्ट नहीं हुई है, मेरा स्कूटी भी बहुत डस्ट हो गया है। एंड लुक हियर, दिस इज़ माई स्कूटी, कितना डस्ट हो गया है। दिलीप इज वॉशिंग विद द कॉलिन। सो गाइज, 9 बजने को और 2-3 मिनट ही है और आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स इन माई हाउस राइट नाउ, और मैं एक कैंडल जलाने वाली हूँ, सो लेट्स डू दैट। हाय गाइस, तो वी आर डन विद कैंडल लाइटिंग एंड बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे सब लोग साथ में आके कुछ करते हैं। हमारे सोसाइटी में सारा लाइट ऑफ था और सब लोग बालकनी में आके कैंडल और दिया जला रहे थे, दैट वाज रियली नाइस। हम ऐसे 2-3 मिनट खड़े होने के बाद मुझे क्रैकर्स की आवाज़ आए, बट पता नहीं ये लोग कौन है, इनको क्रैकर लॉकडाउन के बीच में कहाँ से मिल गया, ये लोग कहाँ से रह के गवार है क्या है, बट बोला कुछ जाता है और ये लोग कुछ करते कुछ और ही है। बट एनीवेज इट वाज नाइस, बहुत अच्छा लगा। अभी डिनर का टाइम हो गया है। यूजुअली संडे को हम बहुत कम खाते हैं डिनर में, मोस्टली फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं। और गेस व्हाट, मैं आज क्या बनाई हूँ, मैं आज ये जो इंटरनेट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है अभी, डालगोना कॉफी, पता नहीं क्यों, तो मैं वो बनाई हूँ। मैं ये इसलिए बनाई हूँ, मैं देखना चाहती थी सच में ये वर्थ इट है कि नहीं, क्योंकि ये जो पेस्ट मैं बनाई हूँ इसको मुझे बनाने में 20 मिनट लगा, तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये इज दिस रियली वर्थ इट। मैं ऑलरेडी एक ग्लास दूध फ्रीज में डाल के रखी थी 15 मिनट से, और इसमें 2 आइस क्यूब डाल दी हूँ, और ये जो पेस्ट मैं बनाई हूँ इसमें है 2 टेबलस्पून कॉफी, 2 टेबलस्पून शुगर एंड 2 टेबलस्पून पानी के साथ इसको 15-20 मिनट मिक्स करने में ये जो पेस्ट बनता है, तो इसको दूध के ऊपर डाल के मैं अभी देखूंगी, उसके बाद मैं ट्राई करूंगी कैसा लगता है। देन उसके बाद हम आज सोच रहे हैं कुछ मूवी देखें, तो आज हम डिसाइड किए हैं हम आज नेटफ्लिक्स पे स्नाइपर देखेंगे, पता नहीं कैसा होगा बट हम इसके बाद मूवी देखेंगे। पता नहीं ये कैसे बन गया, ये क्या ऐसे हो रहा है, क्या देखा? शायद मैं बनाने में कुछ गलती कर दी या क्या पता नहीं, बट मुझे बहुत बिटर लग रहा है, आई डोंट नो। Okay.
ओके गाइस, सो आई एम डन विथ एवरीथिंग. डिनर में हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, हम बस फ्रूट ही खाए. एंड नाउ टाइम इज 12:30. दैट्स इट अबाउट माई डे. आई होप मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर नहीं की हूँ मेरा पूरा दिन का स्केड्यूल दिखा के. एंड आई थिंक आप लोग मेरे ये पूरा डे के साथ आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक सभी का अभी वही हालत है. सब लोग अभी लॉकडाउन में घर पे ही है और वही सेम काम ही कर रहे हैं. तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप और क्या क्या करते हैं. मैं और भी बहुत कुछ प्लान की हूँ इस क्वारंटाइन पीरियड में बनाने का, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. सो स्टे ट्यून्ड. ये लॉकडाउन ख़त्म होने तक मैं और भी बहुत सारे कंटेंट लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन गिव अ बिग थम्स अप. और अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो. एंड दैट्स इट गाइज. कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड स्टे एट होम. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय, गुड नाइट.